गुड मॉर्निंग दोस्तों, गणपति बप्पा मोरया। आज गणेश चतुर्थी है तो हम जरा आज पुणे का माहौल देखने जा रहे हैं कि कैसा रहता है गणेश चतुर्थी के दिन। ऋतिक मुझे लेके जा रहा है डेविड शेड पे, हमें पतंग वगैरह देखने के लिए। कहाँ जा रहे हैं? हाँ, ऋतिक का रंगपुर लेके हम सफर की करेंगे शुरुआत, तो बने रहिए। पूरे 40 मिनट तक नाश्ता मिलने के बाद में अब ऋतिक और मैं निकल गए बुधवार पेट की तरफ, जागरू से ढलवाई की तरफ। ऋतिक हाय टू माय फ्रेंड। ये शोर शराबा की वजह से मैं गाड़ी भी शूट नहीं करूंगा, डायरेक्ट मिलते हैं अपन बुधवार पेट को, सॉरी जागरू से ढलवाई पे। ये पुट्टे साले बैंडवाज वाले। आज का व्लॉग थोड़ा छोटा बना, छोटा इसलिए बना क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था झांकियों में, रैलीज़ में, पथक में। मतलब बहुत ज़्यादा अलग माहौल था, इंसान खो जाता है वहाँ पे। और अगर जो वहाँ पे भी मस्ती में मगन ना हो पाया तो शायद वो मस्ती मस्ती को जानते ही ना हो, मतलब समझ नहीं पा रहा, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो बाकी पूरे दिन भरे में मैंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की, कुछ चीज़ें अच्छी लगी। तो जैसे कि इतने एस्थेटिक भी मिले, इतने लोग ट्रेडिशनल पहन के थे, इतने बंदियाँ ट्रेडिशनल्स पहन के थे कि हर 30 सेकंड में दिमाग में ये गाना चल रहा था, तेरी याद आवा तेरी याद आवा। तो फिर वो गाने को दिमाग से निकाल के मोरिया रे बापा मोरिया रे दिमाग में डालना पड़ रहा था बार 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 बार। तो ठीक है, समटाइम्स यू नीड टू लेट गो। ऐसा कि कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की कि देखो, जैसे बुरा लगा छोटे हाइट वाले लोगों का कि जैसे उनको देखना है सब, मतलब सब मजा मस्ती करनी है, बट पता है क्या, उनको कुछ क्लियर को किसी का दिख ही नहीं पाता है, कोई चीज़ को ठीक से देख नहीं पाते, बस सुन पाते। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि तुम गर्दी बढ़ाने के अलावा वजह थोड़ा अगर यूट्यूब या टीवी पे देख लो तो ज़्यादा बेटर क्लियर व्यू मिलेगा और थोड़ी गर्दी भी कम रहेगी। और दूसरी चीज़ ऐसी कि जैसे अगर तुम श्रद्धा भाव से अगर आ रहे हो, भक्ति से आ रहे हो भगवान की प्रतिमा देखने के लिए, तो धक्का मुक्की ना करो। मतलब ये ज्ञान पीने वाली बात नहीं है, तो कॉमन मतलब जनरल ह्यूमन बिहेवियर से समझ, मतलब कोई भी समझ सकता है कि धक्का मुक्की ना करे, प्यार से बिहेव, मतलब प्यार से जनता में रहे, थोड़ा इधर उधर कम ताड़े, और थोड़ा मतलब सबके लिए थोड़ा ऐसा सेफ स्पेस बनाए, मतलब सब एंजॉय कर पाए अच्छे से। और उसके बाद में ऐसा लगा कि जैसे इंसानों तुम कोई चीज़ का गुमान मत करो, तुम 100-500 रुपए की भगवान की प्रतिमा खरीद के खरीद रहे हो, भगवान को नहीं, सो समझो। और उसके बाद में ऐसा एक, हाँ ये वातावरण एकदम ही अनुभव रहता, मतलब कोई ऐसा जब तक का खुद से ना जाके देखे, खुद से ना फील करे, तो उसको मतलब ऐसा
वो मज़ा नहीं आएगा। बट अगर इनकेस तुम्हारा जाना भी ना हो रहा हो तो तुम यूट्यूब टीवी का सहारा लेके भी थोड़ा बहुत तुम्हारे क्या बोल सकते हो उसको, क्रेविंग को सेटिएट कर सकते हो, उसका मज़ा उठा सकते हो। और बस मिलते हैं अगले व्लॉग में। पीस आउट।